अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AS फैमिली व्लॉग्स। और ये अभी रेडी हो रहे ऑफिस जाने के लिए। अभी टाइम है 11:40, काम तो 11:30 से ही है, पर कल एक डेढ़ घंटा रात को एक्सटेंड हो गया था, इसलिए आज एक डेढ़ घंटा लेट आने के लिए बोले थे उन लोगों ने। तो इसीलिए शायद साढ़े बारह बजे से या 12 बजे से काम स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए अभी घर से 15 मिनट का ही रास्ता है। आयान स्कूल गया हुआ है और इनाया यहाँ पे मोबाइल देख रही है। इनाया को आज स्कूल नहीं भेजा क्योंकि कल ये शाम को भी और रात आधी रात को भी इसने उल्टी कर दिया है। शायद गर्मी बहुत है ना, तो मैं सर अभी 3-4 दिन से ऑटो में आना जाना हो रहा है। वैसे भी गर्मी भी बहुत है, मतलब ऑटो में आने जाने की वजह से नहीं है, धूप देख सकते हैं बाहर कितने हैं, तो इसकी वजह से इसने उल्टी कर दिया, तो इसलिए मैंने आज नहीं भेजा उसको। और थोड़ा खास भी रही है और थोड़ा सर्दी भी हो गया इसे, सर्दी जुकाम। जनाब यहाँ पे रेडी हो रहे, तो आज की जो रेसिपी है ना, तो सबको ही पसंद आएगा, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े लोग हो। और हो सकता है आप लोगों को, मतलब ज़्यादातर लोगों को इसकी रेसिपी मतलब पहले से मालूम हो, जिनको नहीं मालूम तो उनके लिए मैं बना रही हूँ। तो ये जो बच्चे रह जाते हैं ना कंटेनर में, ये डब्बा में हम लोग रखते हैं, तो नीचे वाला कभी कभार टूट जाता है, अगर पैकेट ओपन करने के टाइम में भी कभी कभार टूट जाता है, तो वो बिस्किट खाने के लिए किसी को भी मन नहीं होते हैं। तो खास करके बच्चे तो खाते ही नहीं है, मैं टूटा हुआ बिस्किट नहीं खाऊंगी, मुझे पूरा एक नया बिस्किट चाहिए, ऐसा होता है हर घर का, मतलब यही हाल होता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है जो टूटे हुए बिस्किट है, मैरी बिस्किट है। मैरी यहाँ पे 2 फ्लेवर के हैं, आपके पास जो भी मतलब बिस्किट है आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है जो मैंने बिस्किट लिया है आपको वही लेना है। यहाँ पे मिक्स मतलब मिक्स बिस्किट है, तो यहाँ पे कुछ हॉर्लिक्स के बिस्किट है, कुछ ये वाला बिस्किट भी है, तो मिक्स है, देख सकते हैं आप लोग। आप चाहे तो सिर्फ मैरी बिस्किट पा लीजिए, या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल है आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मतलब पहले ही मैंने बना लिया था, मैं बनाती रहती हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने आधे में मतलब इस मैंने सोचा ठीक है आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती, तो टूटा हुआ बिस्किट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है, आपके पास जितना है ले सकते हैं। और उसमें मैंने शक्कर ऐड किया है, यानी कि शुगर आप अपने हिसाब के टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए, क्योंकि बिस्किट में ऑलरेडी मीठा होता है। अगर नमकीन बिस्किट है तो थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं, अगर मीठा आप लोग खाते हैं तो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं शुगर ऐड किया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को, मैं आधे से स्टार्ट कर रही थी वीडियो, इसीलिए तो मीठा मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से लिया है। और मेन जो बात है मैं वो बताने ही भूल गई हूँ, तो ये रेसिपी है बिस्किट के पेड़ा, पेड़े भी बोलते हैं, तो मैं पेड़ा बना रही हूँ। आप प्लेन पेड़ा भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर का पेड़ा बनाऊँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोको पाउडर ऐड नहीं है तो नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, अगर है तो डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, मैं फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे भर के 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है, देख सकते हैं समझ। तो इसको मैं अभी एक ही साथ में पूरा पाउडर कर लूँगी मिक्सी में। इसमें अभी हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, पानी या दूध अभी नहीं ऐड करना है, अभी हमको सिर्फ मिक्सी में पाउडर कर लेना है। तो मतलब हर किसी की रेसिपी अलग होता है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादातर लोग घी ऐड नहीं करते, मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, देख सकते हैं, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, 1 टेबल स्पून काफ़ी होता है। और मैंने यहाँ करीब मतलब 10 रुपये वाला अगर बिस्किट लेंगे, कोई भी बिस्किट, मारी बिस्किट हो या फिर पाली जी या फिर जो भी आपको पसंद है, तो उसके हिसाब से मैंने 4 पैकेट लिया था, तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। अब क्वांटिटी जितना है आपके पास उसके हिसाब से देख लीजिए। तो तेल गर्म हो चुका है, तो एक देख सकते हैं एकदम फाइन पाउडर किया है हमने, तभी इसको मैं ऐड कर रही हूँ। ऑलरेडी शुगर भी मैंने यहाँ पर ही ऐड किया हुआ है। तो हल्का सा हमें इसे घी में थोड़ा सा भून लेना है, लेकिन रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट। बहुत भी नहीं भूनना है, सिर्फ
चार पाँच सेकंड के लिए भूनना है हमें, मतलब ताकि इसमें थोड़ा सा गरम, जो कढ़ाई का एक गर्मपन होता है ना, बस वो आ जाए इसमें। तो इसमें मैं भी हल्का हल्का दूध डालूंगी। दूध को मैंने पहले बॉईल करके ठंडा कर लिया था, तो ये दूध हल्का हल्का गैस बंद कर दूंगी अभी, और धीरे धीरे दूध डाल के इसको, जैसे आटे के लिए, रोटी के लिए हम लोग आटा गूंथते हैं ना, ऐसे हमें एक डो बना लेना है। इसके बाद हमें इसे पेड़ के साथ सेब दे लेना है। सेब भी मैं बता दूंगी, आप अपने पसंद का भी दे सकते हैं सेब। तो सेब देने के लिए मैंने ये बच्चों का जो साइकिल है ना, इनर का, ये वाली साइकिल, इसका व्हील निकाल लिया है मैंने, इसको धो लिया है। तो इसको लगाऊंगी, मतलब इसको सेब देने के लिए यूज़। तो 5 मिनट के लिए मैंने फ्रीजर में रख दिया था, तो अच्छे से सेट हो जाए ताकि हमें सेब देने में आसानी हो, देख सकते हैं। इतना ही हमें सॉफ्ट चाहिए ताकि हम अच्छे से इसका सेब बना सकते हैं। अब बर्फी सेब भी दे सकते हैं, पर मैं इसको अभी इस सर्कल वाला सेब ही दूंगी। थोड़ा मैंने हाथ में ले लिया है, प्रेस नहीं करना है क्योंकि इसकी मदद से हम लोग प्रेस कर लेंगे। इसको भी इसमें बिठा के हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे और इसको भी निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा सेब आया है। तो बाकी के पेड़े भी ऐसे ही सेब दे के बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरा पेड़ा बन के रेडी है, देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे करीब 20 पैकेट लिया था, तो 20 पैकेट में करीब आपको 22 to 25 आराम से आ जाएगा। और ये आप मेहमान को भी दे सकते हैं घर में कोई गेस्ट आते तो, और इसको आप फ्रिज में, अभी गर्मी का मौसम है तो आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए, 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं, पर उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। पर फ्रिज के बाहर मत रखिए। अगर ठंडा सीज़न है, विंटर सीज़न है, तो आप फ्रिज के बाहर रख सकते हैं, गर्मी के मौसम में अंदर रखिए। तो अभी बज रहे हैं रात के 9, और अयान यहाँ पे मोबाइल में कुछ यूट्यूब पर कुछ देख रहा है, और इना यहाँ पे टीवी में कुछ देख रही है बच्चों का, और मैं इनके लिए खाना निकालने वाली हूँ अभी। तो रात के आज डिनर में मैंने बनाया है चावल, और आज बनाया है एक करी, शाही एक करी है ये, और साथ में है कुकुम्बर, खीरा और नींबू, बस। और ये आने में अभी टाइम है, 9:30 बजे काम ख़त्म होगा, पर पता नहीं 9:30 बजे होगा या थोड़ा और टाइम लगेगा, तो देखते हैं। तो कल के बाद ब्लॉग्स आज स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ, और इनका आज है घर से काम, तो घर से काम कर रहे हैं ये। और आयान अभी देख सकते हैं टाइम 2-3 मिनट ही हुआ है, शायद 5 मिनट भी नहीं हुआ है, स्कूल से आया है और लंच कर रहा है आयान। तो आज मैंने बनाया था फिश करी और राइस। इन्हें यहाँ पे बैठ के भाईजन को देख रही है, क्योंकि भाईजन ने लाया है आज स्कूल से चिक्की, क्योंकि भाईजन का बेस्ट फ्रेंड का था आज बर्थडे, तो उसने 3 चिक्की दिया है। तो भाईजन को उसके दोस्त ने बोला है इनाया को मत देना है ना, आया सिर्फ तुम्हारे लिए, मम्मी के लिए और पापा के लिए, तो इनाया के लिए नहीं है। 3 ही दिया है, वहाँ पर ही है, टेबल में है, देखिए बता देती हूँ ये, हाँ जड़ के पास दिखाई दे रहा है ना आपको, इनाया का जो ग्लास के पास है, वही है, 3 पैकेट ही है, उसने भी 3 ही दिया है। उसने खास करके आयान को बोल के गया, मतलब बोला हुआ है स्कूल में कि नायक को मत देना, सिर्फ मम्मी तुम्हारा और पापा का है ना आयान, हाँ देखो यहाँ पे आयान है ना, तो इसलिए तब से वहाँ पे बैठी हुई है आयान के पास। जब से आयान स्कूल से आया है मैंने टेबल में रख दिया है चिक्की, तो वहाँ पर बैठी हुई है, मतलब कब मम्मी हाँ बोलेगी मैं खाऊंगी। इसका कॉल आ गया है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फाइनली इनाया को मिल गया है चिक्की। ओ आज पापा ने मांगा तो पापा को भी दे दिया है थोड़ा सा। पसंद नहीं है तो दे देती है। नहीं गुस्से में दे रही है, दे दो वापस करो।
चाहिए। प्यार से दे रही हूँ लो। बहुत ही कड़वा है। कड़वा है। हम दोनों ने आधा रखाया, उनको एक एक दिया है, तो आधा में से मैंने थोड़ा दिया और बोल रहे हैं कड़वा है। और इस बच्चे ने आज टिफिन खत्म नहीं किया है, वो तो डेली टिफिन खत्म नहीं करती है। वो लंच खत्म किया मैंने, आधा खाती आधा छोड़ के ऐसे घर लेके आती है। इसका दो टिफिन खाया, ब्रेक नहीं खाया, ब्रेक को टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला तो लंच पे खा सकता था ना, ऐसे खाना नहीं था, बस इसको लंच को लेना था और निकल जाना था मगरमच्छ की तरह। चबाना थोड़ा है, ऐसे मुंह में लो और बस निकल जाओ। आयान तो वैसे भी नहीं खाता है, अभी तो जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है इन्हें भी नहीं खाती है, टिफिन में नहीं खाती है, घर में भी खाना नहीं खाती, ये चटर पटर खाती रहती है, सिर्फ खाना नहीं खाती। आयान चटर पटर भी नहीं खाता है, खाना भी नहीं खाता है। यहाँ देखो अपना फेस।